हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अभी सुबह की 8:30 बज चुका है और हमने उठ के सारा काम उम कर लिए और नहा लिए और अभी बनाएंगे नाश्ता। तो नाश्ता हम क्या बनाएंगे आज? मूंग दाल की पकोड़ा बनाएंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहें दोस्तों, शुरू से एंड तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग देख लीजिए बाबू को, बाबू भी सो के उठ गया। बाबू अब भी उठा है ना बेटा, देख रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो इधर हमने मूंग दाल रात को भिगा दिए थे, आप लोग देख सकते होंगे, और उसका पानी निकाल दिए हैं, धुल के रखे हैं। और इधर लहसुन लिए हैं, अदरक लिए हैं और धनिया पत्ता। तो चलिए पहले पीस लेते हैं इन सारे चीज़ों को मिला के। तो पहले पीस लेते हैं। इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पीसेंगे। पानी डालेंगे तो पूरा पतला हो जाएगा, ऐसे ही पीसेंगे, पानी नहीं डालेंगे। तो दोस्तों हमने पीस लिए हैं, अभी इसमें मिलाएंगे जीरा। देख सकते हैं आप लोग जीरा और नमक। और कटी हुई धनिया पत्ता। अच्छा से मिक्स करेंगे। दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। और इधर हमने कढ़ाई में तेल रख दिए हैं, तेल गर्म हो चुका है, अभी तलेंगे। फिर हमने उसके लिए चटनी बनाएंगे। तो चटनी के लिए 2 टमाटर लिए हैं और लहसुन का कली लिए हैं और थोड़ी सी इमली लिए हैं, छोटी अदरक का टुकड़ा है, 2 मिर्ची है और धनिया पत्ता। मिला के ग्राइंडिंग करेंगे, चटनी बनाएंगे, पकौड़े के साथ अच्छा लगता है। दोस्तों तेल गर्म हो गया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है स्लो गैस में तलेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फ्राई हो चुका है पकौड़ा। तो हम चटनी बना रहे हैं, टमाटर काट के डाल दें, लहसुन डाल दें, अदरक का टुकड़ा, इमली और मिर्ची और नमक डाल के पीसेंगे।
धनिया पत्ता। तो दोस्तों पकौड़े बन के रेडी हो गए, आप लोग देख सकते होंगे, और चटनी भी हमने पीस ली है। दोस्तों आज का रेसिपी आप लोग को कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।